तो अजय देवगन की भोज द प्राइड ऑफ इंडिया आखिरकार रिलीज हो चुकी है और कहना पड़ेगा ये पूरा हफ्ता देशभक्ति से गुजरेगा। मतलब परसों शेरशाह, आज भोज और 2 दिन बाद बेलबॉटम रिलीज होगी। अब होगी भी या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है और मेकर्स बेलबॉटम को 2 दिन बाद थिएटर्स में रिलीज करना चाहते हैं। खैर 2 दिन बाद देखते हैं क्या होता है, फिलहाल तो भोज के ऊपर बात करते हैं। अब जिन लोगों को स्टोरी के बारे में नहीं पता तो 1971 में जब इंडिया की मदद से बांग्लादेश ऑलमोस्ट आज़ाद हो चुका था तब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडिया के मेजर पोर्ट्स, रनवेज और मिलिट्री बेस पर फाइटर जेट से हमला कर दिया था और पाकिस्तान ने कच्छ को हथियाने के लिए 1200 सोल्जर्स और अनगिनत टैंक भेज दिए थे। अब कच्छ में मिलिट्री के आने के लिए 3 रास्ते थे, 2 पुल और भोज का रनवे, पर पाकिस्तानी फाइटर जेट ने पहले से इन दोनों पुल और रनवे को उड़ा दिया था। अब दोनों पुल फिर से बनाने के लिए कई दिन लगेंगे और रनवे भी तबाह हो चुका है, पर अगर किसी तरह से उस रनवे को समय से पहले ठीक कर दिया जाए तो इंडियन आर्मी प्लेन के जरिए कच्छ पर एंट्री कर सकती है, पर बॉम्बिंग की वजह से ज्यादातर स्टाफ और वर्कर्स घायल हो चुके थे। तो रनवे के इंचार्ज विजय काने ने पास के गाँव में रहने वाले बूढ़ों और औरतों से मदद मांगी रनवे को ठीक करने के लिए, और फैंटेसी लग सकती है पर सिर्फ 1 रात में गांव वालों की मदद से रनवे ठीक कर दिया गया था। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान चुपचाप बैठा था, एक तरफ पाकिस्तानी जेट बार बार रनवे को उड़ाने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी कच्छ पर घुसने की कोशिश कर रही थी और पाकिस्तानी आर्मी को सिर्फ 120 सोल्जर और एक पूरा गाँव वाला रणछोड़ दास पेगी ने रोक के रखा था जब तक और सोल्जर न आ जाए। अब इस लड़ाई में पाकिस्तान में रहने वाले इंडियन जासूसों का भी बहुत बड़ा हाथ था, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो लोग इंडिया को इंटेल भेज रहे थे और इसी तरह इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को हरा दिया था। और ये जो बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था उसे इस मूवी में दिखाया गया है। अब मूवी में एक साथ कई सारे इंसिडेंट को दिखाया गया है और इसीलिए मूवी में कई सारे कैरेक्टर को एक साथ इंट्रोड्यूस किया गया है, पर मेकर्स उनके स्टोरी को एक साथ मिक्स करना भूल गए। इवन अगर बैक स्टोरी की बात करें तो मेन लीड के पास भी उतनी अच्छी बैक स्टोरी नहीं थी और स्क्रीन प्ले और स्टोरी टेलिंग कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग फील होगी, स्पेशली स्टार्टिंग के कुछ सीन्स देखकर सच कहता हूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था मैं। डायलॉग्स अच्छे थे, सिचुएशन के ऊपर फिट बैठ रहे थे, जैसे एक सीन होता है जहाँ विजय काने गांव वालों से मदद मांगने जाते हैं और उन्हें कन्विंस करने के लिए विजय काने एक कविता बोलते हैं जो कई लोगों को क्रिंजी लग सकती है, पर मुझे उतना क्रिंजी नहीं लगा था। और हाँ, उस कविता को सुनकर गांव वाले सच में कन्विंस हो गए थे। फिर पाकिस्तानी आर्मी के इंतज़ार में 120 सोल्जर एक कविता बोलते हैं और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर कुछ डायलॉग्स ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा क्रिंजी फील हो रहे थे। ताजमहल प्यार की निशानी है तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। अभी एक वार फिल्म है और एक्शन तो होगी और मूवी में काफ़ी अच्छे एक्शन सीन्स थे, पर VFX एक्शन का मज़ा ख़राब कर रहे थे। VFX बहुत ज़्यादा कार्टूनिश फील हो रहे थे और कैमरा एंगल्स के ज़रिए उस चीज़ को थोड़ा बहुत ढकने की कोशिश की है, बट ओवरऑल VFX बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थे और आंखों को चुभ रहे थे। और अब आता है एक्टिंग। अजय देवगन विजय काने के रोल में फ्लॉलेस थे, पर सच कहा जाए तो असलियत में विजय काने अजय देवगन से बहुत ज़्यादा अलग दिखते थे, पर ओवरऑल अजय देवगन ने इस बार भी तानाजी वाली जादू फिर से क्रिएट करने की कोशिश की है और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी होते हैं और इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। पर मेरे ख्याल से पूरे मूवी में संजय दत्त और शरद कलकर बेस्ट थे। पूरे मूवी में ज़्यादातर वक्त इन दोनों को हम एक साथ देख सकते हैं और दोनों का काम बेहतरीन था। नूरा एक स्पाई बनी और उनके कैरेक्टर की स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। अब मूवी में उनके डायलॉग्स बहुत ज़्यादा कम थे और ज़्यादातर वक्त उन्होंने अपने बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशंस के जरिए एक्ट किया था, जो उतना बुरा भी फील नहीं होता। पर सोनाक्षी सिन्हा क्लियरली दिखाई देता है कि वो उस कैरेक्टर के लिए नहीं बनी थी जो उन्हें मिला है और क्या बोलने का स्टाइल था उनका, सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो भोजपुरी एसेंट पे गुजराती बोलने की कोशिश कर रही थी। भगवान कृष्ण ने कहा है किसी की जान बचाने के लिए की गई हिंसा धर्म है। काश उनकी जगह किसी और को लिया जाता तो अच्छा होता। पर सबसे ज्यादा शौक मैं प्रणीता सुभाष को दिख कर हुआ हूं। पूरे मूवी में उनका एक भी डायलॉग नहीं था। इनफैक्ट मूवी में वो साइड कैरेक्टर के पीछे खड़े रहने वाली आर्टिस्ट की तरह लग रही थी, जिनका बस एक ही मकसद होता है, रोजी रोटी या फेमस होने के लिए किसी तरह से सीन में जाकर खड़े रहना। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, पर सच में मूवी में ऐसा ही हुआ है। वो मेन लीड की हीरोइन थी पर उनके कैरेक्टर के साथ ऐसे ही ट्रीट किया गया है।
तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी मूवी बन सकती थी, पर एक डिसेंट टिपिकल वॉर मूवी बनकर रह गई। और अगर ये मूवी आज से 20 साल पहले रिलीज़ होती तो अच्छा होता, क्योंकि उस वक्त के लिए मूवी बनी है, इस वक्त के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी। और अगर एक अच्छी वॉर मूवी देखना है तो शेरशाह देख लो, उसका रिव्यू भी क्या है, एक बेहतरीन मूवी है। पर अगर चाहो तो इस मूवी को भी देख सकते हो, स्पेशली उन गांव वालों के लिए जिन्होंने अपनी जान से ज़्यादा देश को बड़ा माना था। जबकि मूवी में सच को तो उनके काम को उतनी अच्छी तरह से नहीं दिखाया गया है, फिर भी थोड़ा बहुत तो दिखाया गया है, उसे देख सकते हो। तो आज का वीडियो बस इतना तक ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और वीडियो में, तब तक आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।